दमन द्वीप व तटीय आपदा जोखिम को लेकर नेशनल लेवल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। मुरादाबाद से डॉक्टर कोमल लक्ष्मण सिंह व मोहम्मद असलम को दिया गया प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। दमन द्वीप में तटीय आपदा जोखिम की कमी पर नेशनल लेवल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। मुरादाबाद से कोमल जुगलान लक्ष्मण सिंह प्रजापति व मोहम्मद असलम ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। दमन द्वीप में यह कार्यक्रम 6 जनवरी से 10 जनवरी 2020 तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व दमन प्रशासन के द्वारा किया गया। NIDM नई दिल्ली के डॉक्टर सूर्य प्रकाश व डॉक्टर हरजीत कौर ने आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। इस नेशनल लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम में देश भर से आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे तीनों प्रतिभागियों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट व द्वीप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रकाश व दमन जिला अधिकारी डॉक्टर राकेश मिन्हास IAS के द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। ये जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हैं, इन्होंने हम तीन लोगों के लिए यहाँ जो NIDM जो है आपदा प्रबंधन संस्थान दमन एवं दीप के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण सिंह प्रजापति, डॉक्टर कोमल जुगलान और मोहम्मद असलम को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दमन एवं दीप के लिए रवाना किया था। वहाँ हम सब लोग तीनों लोगों ने गए थे। वहाँ देश के और भी तमाम सारे जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, अन्य स्टेट से भी लोग वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए थे और उन्होंने 5 दिवसीय प्रशिक्षण 6 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2020 तक का प्रशिक्षण हम लोगों ने प्राप्त किया। और हम लोगों को ये बताया गया कि किस तरह से हम लोग चक्रवात, तूफान, सुनामी, बाढ़ और आग से होने वाले जोखिमों को किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको ख़त्म करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ सिखाई गई थी और हम लोग यहाँ आकर के अपने जिलाधिकारी महोदय को ये बात बताएंगे क्या किस प्रकार से ये जो आपदाएं होती हैं, बाढ़ है, जो कि सुनामी है, चक्रवात है, तूफान है, आंधी है और आग और क्या नाम है उसका, इनसे होने वाली जो घटनाएं हैं, इनसे इनमें कमी कैसे आ सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने जिलाधिकारी महोदय से डिस्कस करेंगे और उनको बताएंगे ताकि वो आने वाले समय में जो है अपने यहाँ कोई ना कोई ऐसी प्रोग्राम चलाएं, ऐसे प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाएं या लोगों को प्रशिक्षण करें, प्रशिक्षण दें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उस संबंध में हो सके और कम से कम आपदाओं से होने वाले नुकसान कम से कम हो सके। इस जानकारी को लेके इस मुरादाबाद शहर में क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस जानकारी को लेकर मुरादाबाद में ये प्रभाव पड़ सकता है कि यदि हम तीन लोग हम हैं, बाकी और भी लोग हैं, तो जो लोग हमने जिनसे हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम जो लोगों के लिए उन लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, उनसे जो आपदाएं हैं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, चक्रवात है, इनसे होने वाले जोखिमों के बारे में हम बताएंगे, उनसे बचने के बारे में उन लोगों को जागृत करेंगे, तो जो आने वाले समय में हमारे ज़िले में बहुत कम से कम आपदाएँ होंगी और उनसे आसानी से निपटा जा सकता है। जो आपदाएं हमारे जिला मुरादाबाद के अंदर हैं, बाढ़ जैसी विभिन्न विभीषिकाएं जो बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं हम लोग, उससे हम लोगों को बचा जा सके। कई प्रशिक्षण आप यहां चालू करेंगे? हम अपने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, अपने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम वो सारे काम करेंगे जो हमारे जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद जो भी निर्देश हमें देंगे हम उसका पालन करेंगे। के जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि यदि अगर 60 सेकंड में किसी भी आपदा को, अगर आपदाग्रस्त क्षेत्र में अगर हमारे लोग पहुंच जाते हैं तो उस आपदा को हम लोग कम कर सकते हैं। इसी मकसद से हम मुरादाबाद से तीन लोग गए थे और हमारा मकसद यही रहेगा कि यहाँ के जितनी भी आम पब्लिक है, जनता है, उनको हम जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार सबको आपदा का प्रशिक्षण जो है प्राप्त देंगे और उससे जो होने वाली जितनी भी कमियाँ हैं उन कमियों को हम लोग जो है पूरा पूर्ण करेंगे। दूसरी बात एक है कि जहाँ हम गए वहाँ पर हमें विभिन्न देश के विभिन्न भागों से और संघ शासित क्षेत्रों से अनेकों अधिकारी भी और आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ भी जो यहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी हमको सीखने को जो है बहुत चीज़ मिली है। दमन द्वीप में तटीय आपदा जोखिम में कमी पर नेशनल ट्रेनिंग में हम लोगों को चुना गया मुरादाबाद से और हम तीन लोग लक्ष्मण सिंह जी और डॉक्टर कोमल जुगलान साहब और मोहम्मद असलम ने भाग लिया है
ये DM साहब के आदेश के अनुसार हम लोग वहाँ पहुँचे। पूरे हिंदुस्तान से आए हुए थे 108 में। 108 में से आप तीन को चुना गया? जी, मुरादाबाद जिले से तीन को चुना गया है। अब आगे के लिए क्या योजना बना रहे हैं? बस योजनाएं ये हैं जो हम वहाँ सीख करके आए हैं, यहाँ विभिन्न लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे ताकि आने वाली आपदा में कमी आ सके। ये प्रशिक्षण आपका कब से चालू होगा और कब तक रहेगा? ये जो हमारे DM साहब महोदय आदेश देंगे उसी हिसाब से हम आगे काम करेंगे।